तो भाई सारे कैसे हो? आई होप करता हूँ भाई सारे बढ़िया हो गए। भाई हम तो बड़ी बढ़िया ही है, ठीक है भाई। मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ भाई, कितने 8 बजे, ठीक है 8 बजे शुरू कर रहा हूँ भाई रात के। भाई बिल्कुल ना मेरे पसीने आ रखे हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैं जो है भाई रात भर सोया नहीं था अगले दिन, क्यों पिछले दिन मतलब मैं भाई हम मूवी देखने गए थे रात को, तो भाई वो जो है ना थोड़ा लेट हो गया था प्रोग्राम, तो भाई पूरे दिन से ना मैं सो ही रहा था। एक तो क्या है हमारा टिफिन नहीं आता, ठीक है संडे को भाई हमारा जो है ना खाने का ना थोड़ी बीटी हो जाती है, और बीटी मतलब बैड ट्रिप, जिसको नहीं बताओ थोड़ा वो वाला शब्द है, क्या कहते हैं एस्थेटिक वाला, और मतलब वो वाला शब्द है आजकल की जनरेशन वाला, ठीक है। तो भाई वो आजकल की जनरेशन बने रहना ही बेस्ट है, क्योंकि ट्रेंड के साथ बहोगे तो ट्रेंड आपके साथ बहेगा, और उस ट्रेंड में से कुछ अलग चीजें निकालो, ठीक है, तो फेमस हो जाओगे। तो भाई सीन अपना ऐसा ही है कि अभी अभी उठाऊं, ठीक है, और व्लॉग शुरू कर दिया अभी। दिक्कत पता है क्या आई, क्या है, मैं जो है मैं सो गया था यार, पता है जब मैं सो गया था ना तो फिर व्लॉग नहीं हुआ, ये दिक्कत आई, ठीक है। तो मतलब सीन ऐसा है, अभी अभी जो है सो के उठाऊं, और मेरे ना पूरे पसीने पसीने हो रहे, पता नहीं सो के उठने पे, और मेरी हालत देख रहे हो, शक्ल भी ऐसी हो रही है, सोई सोई। कोई नहीं, जब सो के उठे तो सोई सोई होगी। तो भाई बात ऐसी है कि बिल्कुल मतलब पसीने पसीने आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, और मैंने जब चेक किया पता है क्यों पसीने आ रहे हैं। ये भाई बारिश देख लो, वो तो मैं दिखा दूं क्या बाहर, भाई बारिश हो रही है इस वजह से ना भाई पसीने पसीने से आ रहे हैं। मैं तभी तो सोचूं कि ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब मेरे को ना भाई वो बहुत ज्यादा वो पसीने पसीने गर्मी से लग रही थी सोते हुए, और नहीं सो तो क्या, तो सो तो गहरी नींद में रहता, बट जब सो के उठा ना तो बिल्कुल मतलब वो रखा था गीला, आई वॉज वेट इन द बेड, ठीक है। तो भाई अपना सीन ऐसा है कि मैंने ना भाई पिज्ज़ा मंगाया ना अभी, मेरा भाई बहुत मन कर रहा है, संडे को थोड़ी चीट मील हो जाती है। भाई जो व्लॉग देखता होगा वो समझता होगा कि भाई मैं जो है ना सैटरडे संडे मेरी भाई चीट मील हो जाती है तगड़ी, और मतलब उन चीट मील में ना मैं कुछ भी खाना प्रेफर करता हूँ। ये नहीं ये देखता कि भाई मेरी उसमें डाइट है या मेरा जो है टिफ़िन आ रहा है, क्योंकि भाई मेरा ना टिफ़िन नहीं आता, और मैं भाई खाना जो है ना मैं पहले बनाता था, अब मेरा तो बिल्कुल जी भी नहीं करता जब से मेरा टिफिन आता है ना कि भाई खाना अपने आप बना लूँ। तो अब जब खाना आता है मतलब मंडे टू फ्राइडे, और जो है खाना आता प्रॉपर मतलब रोटी सब्जी दालें है ना, तो फिर भाई बनाऊँ क्यों, मेरे तो यही समझ नहीं आता ना कि बनाऊँ क्यों। तो फिर इसलिए भाई जब संडे को नहीं आता जिस दिन, उस दिन मैं भाई बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो बस इतना ही है मेरे पास चीट मील। देखो मतलब ये कितना लॉजिकल नहीं हो गया, वैसे घर का खाना खाओ पूरे टाइम, और फिर भाई वो क्योंकि, और भाई मैं पैसा दे रहा हूँ इस चीज़ का, मतलब मेरा एक एक चीज का पैसा लग रहा है इस, हैं व्हाट यू वांट टू प्ले टिक टैक टो, व्हाट इज, वेयर इज द टिक टैक टो, आई मेड टिक टैक टो माय फाइनल प्रोजेक्ट। ओ दिस गाय इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो ही मेड अ टिक टैक टो गेम ऑन हिज लैपटॉप। चलो भाई खेल के देखें इसका गेम, आ जाओ भाई। नाउ इट्स नॉट रनिंग। ओह शिट भाई, जैसे होता नहीं है कि कोई दिखाते हैं ना बच्चे अपने पेरेंट्स को कि भाई मेरे को कूदना साइकिलिंग चलानी आ गई। सर्कल डाल दिया ना, अब ये इधर को कर देंगे ताकि ये नीचे वाला ना बना दे। ओके आई विन, हाउ लुक, you just suck at this game. Oh shit! अरे भाई इसने तो गेम ही ऐसा प्रोग्राम किया है जिससे खुद ही जीतेगा। भाई बता ना प्रोग्राम किया भाई ने, अच्छा मेरा ना ध्यान भी नहीं था देखो भाई बॉडी बिल्डर को, ये भाई इतना तकड़ा शरीर लेके डोलता ना, पता नहीं हमारे सामने तो इसने आज तक एक रोटी नहीं खाई, मतलब रोटी तो खैर खाई क्या है, खाएगा एक आलू, मतलब इसने आज तक भाई कुछ ना खाया हमारे सामने इसने। ये भाई रात को ना हम जब सो जाते ना भाई स्टीरॉयड लगाता है सिरिंजे भर भर के, मुझे जहाँ तक लगता है ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने इसको कभी भी जो है कभी कुछ खाते पीते नहीं देखा, ये मतलब अल्टीमेट आदमी है। और मेरे ना सारे भाई रूममेट बहुत दिल के साफ हैं यार, मतलब मेरे को ऐसे नहीं मिला कोई भी लड़ाकू, वो जो है नहीं लंबू वो थोड़ा सा है, मैं बताता हूँ क्योंकि भाई जैसे हमारी पर्सनैलिटी है वो मतलब हवाबाजी करने की, तो थोड़ा वो भी वैसी है समझ रहे हो, तो मतलब वो अपना अपने देश का और हम अपने देश के हैं, उसे नहीं पता ना हम उत्तर प्रदेश से हैं। या ट्रूडो, व्हेन ट्रूडो केम हियर लाइक ही चेंज द रूल्स फॉर द गन्स, तो भाई हम तो गन नहीं ले पाए यार, वरना मैं तो ले लेता सबसे पहले गन लेता मैं, क्योंकि हमें तो पसंद ही है फिर गन चलानी, ठीक मजाक कर रहा हूँ। अरे गन वन नहीं लेते भाई, नर्फ गन ले लूँगा मैं, ठीक है उससे चलाएंगे किसी पे, इसी पे निशान लगाऊंगा तगड़ा।
आई विल बाय अ नर्फ गन सून. या सो भाई तो अब सीन ऐसा है कि पता है एसी नहीं चल रहा यार. एसी ना चलते हुए ना इतनी बीमारी हो गई है भाई. सेंटिनल वालों को ना कॉल करना पड़ेगा. डिड यू आस्क देम दैट इफ व्हाई इज द एसी नॉट वर्किंग? दे सेंट अस एन ईमेल ब्रो. लाइक व्हाट डिड दे से? लाइक व्हेन विल इट वर्क? They're turning it on next month. They're not turning it on because they're a cheap fuck. They're cheap as fuck. ऐसे कह रहा. तो मतलब सीन ऐसा है कि मतलब एसी चल नहीं रहा. नेक्स्ट वीक से चलेगा. और भाई उस नेक्स्ट वीक से तो भाई मेरे पास थोड़ा और कम टाइम रह जाएगा इंडिया आने के लिए. मैं बता रहा हूँ क्या तुम्हें धीरे धीरे. हाँ तो भाई ऐसा ही सीन है कि मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम रह रहा आने के लिए. तो भाई मिलते हैं. मेरे ना बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही छाती में. मैं परेशान हो गया जिंदगी से भाई. मेरा कुछ इलाज मानना पड़ेगा. ठीक है ये विंडो खुली हुई है यहाँ से. इसका भाई कुछ इलाज मानता हूँ. ये बाहर ये ना कुर्सी लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि भाई ये जो है मतलब क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए. यहाँ से भी मेरी सिर्फ ये विंडो है जो खुलती है ये वाली. और भाई यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए थोड़ी सी भाई. कुछ तो फर्क पड़े जिंदगी में. साला दिमाग खराब हो गया भाई. अल्टीमेट हवा आ रही है एकदम से. मेरा रूम चिल्ड हो गया. मजाक नहीं. मैं अगर तुम्हें आवाज सुना दूंगा ना हवा की तो तुम समझ जाओगे भाई अंदर से कैसी आ रही है. आ गई हवा. आवाज आ रही है. अच्छा मैं बात देखूं. लो भाई देख. मेरे पे विश्वास नहीं है ना तो मेरे बालों पे तो विश्वास कर लो कि पता चल जाए हवा आ रही है नहीं आ रही. भाई चिल्ड हो गया माहौल जिंदगी का. भाई ये रखना पड़ेगा भाई अब से डेली जब तक एसी नहीं चल रहा मेरी तो जिंदगी. भाई मैं कैनेडा आके भी ये नहीं सोच सकता था कि भाई यहाँ पे भी एसी नहीं चलता. जैसे पापा तो चला नहीं देते थे क्या तो बंद कर दे यहाँ बंद कर दे वो कर दे इधर बैठा इधर से गेट खोल दे पर्दा डाल दे. ठीक है तो भाई वही चीज हो रही है यहाँ. मतलब क्रॉस वेंट कूलर चलाना पड़ रहा है. कूलर ही तो है यहाँ से. वो वेंटिलेशन से चलता था कूलर भाई. उधर का दरवाजा खोल दे वहां से ठंडी हवा आएगी ऐसे आएगी. वो कूलर चल रहा है भाई यहाँ कनाडा में भी. तुम जो है कभी सोच रहे हो मैं जो ऐश काट रहा हूँ जिंदगी में ये ऐश नहीं है. ऐश होती वो तब जब एसी वेसी पे बैठा होता है. यहाँ पर बनियान में आम खा रहा होता वो नहीं है यहाँ पर ऐश. ठीक है यहाँ पर वो है कि भाई कूलर ही चल रहा. ठीक है पढ़ाई फिर भी करनी पड़ रही. स्ट्रगल फिर भी करना पड़ रहा. व्लॉग फिर भी डाल रहे डेली डेली. तो भाई देखो ना यार मजे लो भाई जिंदगी के. जो है ना ये लोग सोचते हैं कि भाई ये साला कितना बोलता है. कभी कभार मेरे जो मेरे साथ भी रहते हैं ना मेरी लाइफ में वो भी सोचते हैं ये कितना बोलता है भाई. भाई हम यही ऐसे यार हमारा कंटेंट ऐसा क्या करें भाई. बोलना पड़ता है जिंदगी में. ठीक है व्लॉगिंग में भी बोलना पड़ता है. मैं नेचुरली लाइफ में भी थोड़ा ज़्यादा ही बोलता हूँ मुझे लगे साला. और अगर मतलब मैं फालतू लोगों से नहीं बोलता चढ़ते फिरते से साढ़े वैसे तो बोलता हूँ. बट मतलब ऐसे नहीं कि उसको जो है बातचीत करके समझा रहा हूँ. मैं भाई उनको समझाता हूँ जो भाई भाईचारे में मतलब जो है कोई जिससे कुछ बनेगा मेरे को भी मिलेगा फायदा और उसे भी मिलेगा. जैसे भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ. जैसे तुम मेरे साथ जुड़े हो ना तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना. साला कोई और फालतू का हो सब्सक्राइबर कहीं और का हो किसी और का जो मतलब सब्सक्राइब करना ही ना चाह रहा हो तो उसे समझा के क्या मिल रहा है जिंदगी में. काम कर अपना जाओ ना. तो भाई ये चप्पल देख लो जरा. ये मेरी फेवरेट चप्पल है ये वैंस की. मतलब इतनी तगड़ी है तो मैं इंडिया भी लेके आऊंगा. ठीक है मतलब इतनी जबरदस्त चप्पल मैंने नहीं देखी भाई. मतलब मैंने सुपर ड्राई की पहले पहनता था मैं सुपर ड्राई की. बट वो भाई फट मतलब वो टूट फूट गई थी. ऐसी टूट गई थी वो चलते हुए भागते हुए. मैंने जो है मेरे पीछे कुत्ते लग गए थे. मजाक कर रहा हूँ. कुत्ते मतलब वो दुश्मन मेरे. तो वो चिपट गए थे मेरे. तो मैं भाई भग रहा था वहां से तो वो टूट गई चप्पल. और भाई पिज्जा आ गया. पिज्जा दिखा दूं तुम्हें अल्टीमेट पिज्जा. भाई ये दो चार पीस तो आए भाई. मतलब कनाडा का सबसे बेस्ट पिज्जा मैंने जो अपनी अपनी लाइफ में खाया हो ना. मतलब डोमिनोज पिज्जा फेल भाई. अल्टीमेट पिज्जा यार ये. मतलब मैंने इससे बढ़िया पिज्जा नहीं खाया लाइफ में. मजाक नहीं कर रहा. ये भाई बहुत ज्यादा टेस्टी है यार. ये ना मतलब इंडियन स्टाइल का पिज्जा है. या तो मैंने सारा इंडिया खाना नहीं खाया प्रॉपर. जो अपना देसी मोमोज की चटनी होती थी ठीक है मिर्च वाली. ठीक है जो पेट खराब कर दे मतलब मैदे वाले मोमोज हैं वो पेट खराब कर दे. तो वो खाया नहीं ना काफी टाइम से कनाडा रह गए. यहाँ पर क्या पेट खराब होता नहीं है चीजों टचवुड. ठीक है कहीं सुबह बैठा हूँ सुबह ठीक है और व्लॉग आ रहा हूँ लेट. मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ ना मतलब वो सब हेल्दी चीजें हैं. और हेल्दी चीजों से ना इंसान जो है ताकतवर नहीं बनता. अनहेल्दी चीजों से बनता है. गलत शिक्षा दे रहा हूँ क्या? ठीक है भाई काट. सारे लोग कहाँ गए? सारे प्राणी कहाँ हैं? जिंदा हैं कहाँ हैं? बेहोश हो गए. तो भाई जितने भी मेरे सारे साथ प्राणी रहते हैं ना मतलब प्राणी कह रहा हूँ मैं उन्हें सारे ऐसी तो पीस. तो भाई जितने भी भाई हैं ना सारे मेरे भाई वो सब लोग यार कोई बिजी है कोई मतलब सब संडे मना रहे हैं यार. मैं हम भी संडे मना रहे पिज्ज़ा खाते हुए. दिखा दूँ? ये लो भाई देख लो पिज्ज़ा खाते हुए संडे मना रहे हैं. मतलब क्लासेस नहीं होती कॉलेज नहीं होता टेस्ट नहीं होता और मतलब कोई साथ नहीं होता संडे को. ठीक है तो मतलब सीन ऐसे ही है कि संडे टू संडे ना सब लोग अपना घर पे रहते हैं यार.
अपना घर में ऐश काटते हैं, अकेले पर्सनल टाइम बिताते हैं। हम तो वैसे पर्सनल टाइम ही बिताते हैं, पर भाई घर वाले तो है नहीं, ठीक है, तो मतलब पर्सनल टाइम बिताते हैं संडे को। सारे के सारे भाई अपने घर में रहते हैं, लेटते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, सबका काम होता है भाई, काम नहीं होता मतलब, तो छुट्टी बस इंजॉय करते हैं संडे को, तो बस वही भाई सब इंजॉय कर रहे हैं। कल सब मिलते हैं, कल मिल रहे हैं सब मंडे को है। मेरा कल भाई अकाउंटिंग का टेस्ट है, ठीक है, वो भाई बेस्ट ऑफ लक लिख देना कि भाई बढ़िया चले जा, कैड़ा एकदम एक्सट्रीम। वैसे तो मुझे आती नहीं, ठीक है, ये आती है बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है, तो मतलब उसमें कमेंट कर देना कि भाई तगड़ा कर दोगे, तुम्हें तो हमें तो पता ही है कि तुम तगड़ा करोगे, अल्टीमेट कर देना, ठीक है। तो भाई वही अपना कल अकाउंटिंग का टेस्ट है, कल मंडे को सारे सारे भाई आ जाएंगे, कल मंडे को भाई सारे भाई आ जाएंगे, उन सबसे मिलवाते हैं, ठीक है, और उन सबसे मिलवा के फिर दिखाते तो मैं कल का क्या सीन रहेगा। तब तक के लिए भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और भाई जो करना है कर देना, और भाई को सपोर्ट दिखा दो, तब तक मुझे पिज़्ज़ा खान दो, ठीक है, ओके जी, बाय बाय।